हेलो दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर गार्ड की आई जॉब वैकेंसियों की। तो दोस्तों वीडियो में बने रहो और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आप ये फॉर्म अपने मोबाइल पर घर बैठकर कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइयो चलते हैं हम इसके नोटिफिकेशन पर कि क्या क्या इसकी डिमांड है। देखो दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्ट हैं इन इन शहरों में रिलीज हुई है। वो दोस्तों आप चाहो जिस मर्जी शहर में आप हिमाचल प्रदेश के जिस मर्जी शहर में आप फिल करना चाहो या तो उनका एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके आप चेक रीड कर सकते हो एक बार। और लास्ट डेट बता दूँ दोस्तों 11 तारीख 11वां महीना और 2019 इसकी लास्ट डेट है। उसके फॉर्म जो स्टार्ट हो चुके हैं और ये फॉर्म आप अपने मोबाइल पर घर बैठे फिल कर सकते हो। वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आप कैसे फिल कर सकते हो। चलो दोस्तों सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट चेक कर लें। तो सो ये इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है तो आप चेक कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 113 है और किन किन शहरों में है ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी मैं ये पीडीएफ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों हम बढ़ते हैं कि आप ये फॉर्म अपने मोबाइल पर घर बैठ के फ्री में कैसे फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों सबसे पहले आप तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउज़र में जाके अपनी गूगल सर्च पर लिखना पड़ेगा forp.hp.gov.in। सर्च करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा दोस्तों। पर हाँ एक बात याद रखना, आप सबसे पहले आपको ब्राउज़र की सेटिंग में जाके अपना डेस्कटॉप साइट वर्जन ऑन कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों ये इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ओके दोस्तों के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब हमें ये सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें फिल करना होगा अपना आधार नंबर जो ऑप्शनल है, आप चाहो तो फिल कर सकते हो और ना चाहो तो नहीं करना फिल। इसके बाद हमें अपना मिस्टर या मिसेज आप जो भी हो उनमें से सेलेक्ट कर लेना है। फुल नेम, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है जो भी आप मतलब कि आप जब ये साइट लॉगिन करोगे तो वो पासवर्ड आपको रिमेम्बर रखना है। तो दोस्तों इन्होंने डिमांड रखा है कि पासवर्ड शुड बी मिनिमम मतलब कि 8 नंबरों का पासवर्ड होना चाहिए, जिनमें एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल, एक स्पेशल। जैसे एक हम कुछ भी लगा लो कैपिटल अक्षर लगा कैपिटल जो लेटर है वो लिख देंगे और एक में नंबर लिख देंगे इसके अंदर, और एक के अंदर जो स्टार हैश वगैरह इनमें से कुछ मर्जी आप लिख के पासवर्ड अच्छा सा बना के क्रिएट यूज़र पर क्लिक कर दीजिए। तो फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम क्रिएट यूज़र के नाम पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट यूज़र के बाद दोस्तों इसके बाद आपका जो रजिस्टर होगा वो अपना आपका मोबाइल नंबर और जो यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म किया था वो पासवर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, रजिस्टर होने के बाद हमें क्लिक हेयर लॉगिन पर क्लिक करना है जहाँ से अब आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद ये देखो ये यहाँ पे है आपको अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन आईडी में फिल किया था, यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड फिल कर दे। तो पासवर्ड फिल करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अब हम आगे का हमने जो क्राइटेरिया वो फिल करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नीचे देख जाना होगा क्लिक टू अप्लाई पर। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक टू अप्लाई लिखा हुआ फ़ोन की राइट साइड। तो इसके बाद दोस्तों यह हमारा पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें जो जो डिटेल इन्होंने हमसे मांगी है वो हमें फिल करनी होगी। फादर नेम, मदर नेम, मार्क आइडेंटिफिकेशन, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, कैटेगरी सब कुछ हमें यहाँ पे फिल करना, अपना एड्रेस फिल करना है
और यहाँ पे अगर आप इस चीज़ की मतलब इस एड्रेस की ई कॉपी चाहते हो तो यहाँ पर टिक मार्क निशानी लगाकर आगे बढ़ जाना। इसके बाद हमें करना है सेव डिटेल से मूव टू नेक्स्ट टैब। ओके दोस्तों, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन मतलब जो नेक्स्ट पेज आएगा वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। ये सब फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेव एंड डिटेल मूव टू नेक्स्ट टैब पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा, जो वहाँ पे आपके सिग्नेचर फोटो और जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटो कॉपी अपलोड करनी होगी वो अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आगे का प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।